हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, और जिस भी स्टूडेंट के पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री होती है उसे जॉब मिल ही जाता है। और पिछले कुछ सालों से बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री काफी ज्यादा पॉपुलर डिग्री में से एक मानी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बजाय बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर साइंटिस्ट, एप्लीकेशन डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनर, डेटा एनालिसिस्ट, आईटी मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर एटसेट्रा जैसे पोस्ट की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में अगर आप भी इन पोस्ट पर जॉब हासिल करना चाहते हो तो आपको भी बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स क्या है, इस कोर्स के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है, ये कोर्स कौन कौन सा स्टूडेंट कर सकता है, इस कोर्स को करने के लिए कितने रुपीज तक की फीस आएगी, कितना समय लगेगा, कोर्स कम्प्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन से टॉप कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, किन किन पोस्ट पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको उन पोस्ट पर कितने रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। और बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि क्या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को बीसीए का कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलो जान लेते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स क्या है और क्यों इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने कॉलेज के कोर्स को कंप्लीट करते करते कोडिंग में एक्स्ट्रा कुछ सीखना है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बेसिक्स टू एडवांस कोडिंग स्किल्स, तो आप मानव टेक्नोलॉजी की इस वेबसाइट पर आओ। यहाँ पर आपको बहुत सारे आईटी कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सारे कोर्सेज लाइव होते हैं और आप यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कुछ कोर्सेज को फ्री में भी एसेस कर सकते हो। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आपको कोग्निजंट, इन्फोसिस, आईबीएम एटसेट्रा जैसे कंपनीज में 100% जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी। तो अभी आप इस नंबर पर कॉल करो और अपने कॉलेज के स्टडीज के साथ साथ इन कोर्सेज को सीखना शुरू करो, ताकि फ्यूचर में आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स क्या है। दोस्तों, बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्स को बीएससी सीएस के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस, वेबसाइट डिजाइनिंग एटसेट्रा से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा और डीप में नॉलेज दी जाती है, ताकि स्टूडेंट फ्यूचर में आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इस कोर्स के जरिए आप बहुत ही इजी तरीके से आईटी सेक्टर के अंदर जॉब पा सकते हो। इस कोर्स को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स सीखता है वो अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन कर सकता है, अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है, कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सकता है, और चाहे तो खुद का गेम भी बना सकता है। अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो दोस्तों, बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्स के अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, नंबर सिस्टम एंड कोडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस प्रोग्रामिंग, पाइथन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एटसेट्रा से रिलेटेड कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो दोस्तों, बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने के लिए आपको अपने 12th साइंस के स्ट्रीम से पास करना जरूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके अपने 12th साइंस के स्ट्रीम से पास आउट कर सकते हो और उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। आर्ट्स एंड कॉमर्स का स्टूडेंट इस कोर्स को नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बीसीए का कोर्स डेवलप किया है। अगर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है तो दोस्तों, आपको अपने 12th साइंस के स्ट्रीम से ही पास आउट करनी है। और अगर आपको गवर्नमेंट या फिर बड़े कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो दोस्तों, आपको आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। अगर आप छोटे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा।
अभी दोस्तों हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्स की फीस की और ड्यूरेशन की बात करते हैं। दोस्तों बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स ओनली 3 इयर्स का होता है और इस कोर्स की एवरेज फीस 90,000 रूपए से लेके 1,20,000 रूपए तक होती है। ये पूरे 3 साल की फीस है जो आप कॉलेज को थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हो। अगर आप किसी बड़े कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो दोस्तों वहाँ पर फीस भी ज्यादा होगी, लेकिन ये जो फीस मैंने बताई है ये एवरेज फीस है, हर कॉलेजेस की इतनी ही फीस होती है। अगर बात करें बेस्ट कॉलेजेस की तो दोस्तों इंडिया में कुछ बेस्ट कॉलेजेस है जहाँ से आप बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर सकते हो, जिन कॉलेजेस की लिस्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर किन किन पोस्ट पर हमें जॉब मिलेगी। दोस्तों बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, कॉग्निजेंट, IBM, ओरेकल, गूगल, डिलॉइट, HCL, ITC, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा जैसे कई सारे IT कंपनीज के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों आपको जानकर ये खुशी होगी कि इंडिया में ही लाखों से भी ज्यादा IT कंपनीज है, जिसके वजह से इंडिया में बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और आपको इन कंपनीज के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेबसाइट डिजाइनर, डेटा एनालिसिस्ट, IT मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, रोबोटिक्स इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, हार्डवेयर इंजीनियर एटसेट्रा जैसे किसी भी पोस्ट पर आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। अगर बात करें सैलरी की तो दोस्तों IT कंपनीज में सैलरी एवरी ईयर 30% to 50% तक इंक्रीज होती रहती है, इसलिए IT कंपनीज के अंदर सैलरी बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर IT कंपनीज में आपको 15,000 रूपए से लेके 20,000 रूपए की सैलरी दी जाती है। जैसे ही आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको 25,000 रूपए से लेके 30,000 रूपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे ही आपके पास 3 इयर्स से लेके 5 इयर्स के बीच का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको 50,000 रूपीज से लेके 80,000 रूपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे ही आपके पास 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 1,20,000 रूपए से लेके 2 लाख रूपीज तक की सैलरी पर मंथ दी जाती है। और दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक, तो दोस्तों इन सारी कंपनीज के अंदर आपको पर ईयर का 40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपीज तक का पैकेज भी दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इतने बड़ी सैलरी का पैकेज चाहिए तो दोस्तों आप अपने कोर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ सीखना आज से ही शुरू करो, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बेसिक्स टू एडवांस कोडिंग लैंग्वेजेस एटसेट्रा, और ये सारी चीजें आप मानव टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से सीख सकते हो। और मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि इस वेबसाइट के अंदर आपको कुछ कोर्सेज फ्री में भी सीखने के लिए मिल जाएंगे, और अगर आप इनके पेड कोर्सेस ले लेते हो तो दोस्तों आपको 100% जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी, वो भी कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, IBM जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आप इसे इग्नोर मत करो, अभी इस नंबर पर कॉल करो और आज से ही ये कोर्सेस सीखना शुरू करो। इनकी वेबसाइट की लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि साइंस की स्ट्रीम के स्टूडेंट को BCA का कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साइंस की स्ट्रीम से 12th पास आउट कर चुके हो तो दोस्तों आपको BSc कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स करना चाहिए, BCA का नहीं। BCA का कोर्स आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए BSc कंप्यूटर साइंस का कोर्स बनाया गया है, क्योंकि आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज नहीं कर सकते, वही साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स के कोर्सेज बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फिर भी आप BCA का कोर्स ना करें, आप BSc कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स करें। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में BSc कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने वाले स्टूडेंट को बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाती है एज कम्पेयर टू BCA। और BSc CS में आपको डीप में नॉलेज दी जाती है, वही BCA के कोर्स के अंदर आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज दी जाती है।
तो मैं आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस ही रिकमेंड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बीएससी सीएस के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके अपने सारे फ्रेंड्स की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का